सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे तो कटवा लेते बेचारे लौंडे का दिल रह जाता। तो ये बड़ी ममता फूट रही है उसके लिए, रिश्तेदार हो रखा उसका। अरे खाम खा की बातें मत करो यार, इंसानियत की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी ये नोट तो नहीं चुपेंगे जीजा को, कुत्ते की तरह सूंघ ना लेंगे वो। तरी वाली भिंडी कैसी रहेगी चटंकी भैया? अरे क्या जी जी, तुम भी तरी वाली भिंडी रोज बनाती रहती, मैं नहीं खाता हूँ तरी वाली भिंडी, मत बनाया करो, मुझे अच्छी नहीं लगती, कुछ और बनाया करो। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। क्यों जीजा कहीं और लग लिया? जी जी मैं तो पहले ही कहता था कि इस आदमी की आंख में सांड का बाल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर, और आज के फिल्मी फंडे में हमारे साथ हैं फिरोज जी, अमिताभ जी, एक बहुत अच्छे कॉमेडी एक्टर। क्या हैं सर आप? सर देखिए, एक कलाकार जो होता है वो एक जैसा नहीं होता कभी। उसमें हर तरह की लहरें होती हैं, हर तरह का फन होता है, और सारे फन को वो दिखाना चाहता है। राइट। जैसे कि मेरे मशहूर से बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और बचपन से उनकी छोटी छोटी चीज़ों को, उनके छोटे छोटे अंदाज को देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था मुझे। और जब मैंने पहली बार फिल्म दीवार देखी, और जब मैं पहली बार बाहर निकला और मैं पान की दुकान पे गया, ए चल जल्दी फान लगा फटाफट, तो एकदम मेरी शक्ल देखने लगा वो यार, कि कमाल है आप तो बिल्कुल। मैंने आ पान लगा जल्दी फटाफट, तो वो चीज़ जो थटकली मेरे अंदर आई, और वहाँ से जो मेरे एक छोटा शहर है बदायूं, तो वहाँ के लोग बहुत चक्का होकर देख रहे थे। उस वक्त बच्चन साहब का इतना क्रेज था कि जैसे कि मैं ही उनके लिए बच्चन। राइट राइट। तो ये साहब वहाँ से मैं जो है, मतलब पहली परफॉर्मेंस ही अप्रिसिएशन मिला और वहीं से कॉन्फिडेंस आया। वहीं से कॉन्फिडेंस, लोगों की तारीफ ने मुझे जो है एकदम कॉन्फिडेंस ला दिया मेरे अंदर। ओके। और फिर वहाँ से मैं जो है बम्बई की तरफ जुड़ा थोड़ा सा। क्या उम्र थी तब आपकी? बस 21-22 साल। अमिताभ जी का क्रेज दिमाग में, और जब आपने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो क्या रिएक्शन था आसपास के लोगों का, घर वालों का? सब लोग जो घर वाले थे मेरे, मम्मी और पापा और बाकी जो बहनें वगैरह भाई वगैरह, वो तो चाहते थे कि मैं जाऊँ, लेकिन जो मेरे पापा थे वो फिल्मों से इतना शौक नहीं रखते थे। तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहा है भैया, क्या कर रहा है, हमारी समझ में ना आ रहा, कौन सी जगह जा रहा, भाई तू ऐसा कर घर में रहे, काम कर यहीं पर, कहाँ जाएगा बम्बई के अंदर। लेकिन अंदर का शौक तो शौक होता है भाई। दिन भर जो है हम जो है अमित जी की एक्टिंग किया करते थे, तो भीड़ हमारे दरवाजे पे इकट्ठी हो जाया करती, तो मेरे पापा भी मजबूर हो गए देखने पर ये कि हो क्या रहा है, कौन किसकी एक्टिंग कर रहा है, जो लोग ये खींचे चले आ रहे हैं। फिर चलो बड़ी मुश्किल तो मैंने उनको पटाया, और पटाने के बाद बम्बई की तरफ मैं जो है रवाना हो गया। और यहाँ पर आने के बाद पता चला कि भैया बहुत प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और हम, और बड़ी परेशानी साहब यहाँ पर। तो एक जगह बस एक शॉप थी जिसने हमें बुलाया था, वो केले की बुखार बोलते हैं जिसको, वो वहाँ काम किया करता था, और वहाँ पर जो है उसने हमें भी लेटा दिया। अच्छा। हमारा घर 14 कमरों का, और वहाँ पे एक छोटी सी खोली में लेट करके हम बड़े परेशान हो गए, भैया कहाँ पर आ गए। मैंने कहा यार मुझे अपने घर जाना है किसी भी कीमत पे, मुझे नहीं रुकना यहाँ पर। अच्छा, ये घबराहट हुई? घबराहट हुई, और वो बॉडी और बॉडी पर नहाना, और फिर वहाँ के लोगों का जो बोलचाल करने का अंदाज वो ऐसा कि जैसे कि पता नहीं गालीबा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। राइट राइट राइट। तो बड़ा मुश्किल होने लगा, मैं घबरा गया, रोने लगा। मैंने कहा यार मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मुझे अपने घर जाना है यार। ओके। किसी भी कीमत पर, और मैं और बच्चन साहब तो वहाँ दिख ही नहीं रहे मुझे। हाँ। कहाँ मिलूंगा, कैसे मिलूंगा, कहाँ जाऊँगा। अच्छा, वो दिमाग में रख के आए थे कि मैं बच्चन साहब से मिलूंगा? जी, बच्चन साहब से मिलने जा रहा हूँ मैं। ओके ओके। और इसी तरीके से वहाँ पर 2-2.5 महीने गुजर गए, और मैं बिल्कुल दुबला पतला टेंशन में, और घबराहट, ये घर की जो जो रहने का अंदाज था वो एकदम निकल करके एकदम परेशानी में आ गया। नहाने के लिए लाइन लगी है, टॉयलेट के लिए लाइन लगी है, हर चीज़ के लिए लाइन, और वहाँ पर कुछ अजीब टाइप के लोग भी आ जाते हैं, चलना भाई अपन, हाँ लोकल टाइप के, तो वो इस तरह से बदतमीजी करता, मैं बहुत डर गया था। फिर मैं वापस चला गया, फिर उसके बाद में फिर एक जोश मारा और लोगों ने हिम्मत की, और मेरे ख्याल से अब समझ में भी आ चुका था कि नहीं यार ऐसा ही माहौल है, मुझे ये फेस करना पड़ेगा। फेस करना पड़ेगा, हाँ। थोड़ा सा वहाँ के लोगों ने बताया, तो हिम्मत से फिर मैं यहाँ पर आया। हाँ। और जो हमारे सचिन जी डायरेक्टर हैं, मराठी एक्टर, उन्होंने मुझे मौका दिया, और क्योंकि वहाँ मैं जब गया तो बहुत सारे बच्चन साहब की नकल करने वाले बैठे हुए थे। राइट। लेकिन मेरी शक्ल नहीं दिखती, और ना ही मैं हाइट बॉडी से अमित जी जैसा लगता हूँ। राइट। तो सब लोग कुछ अजीब सी एक्टिंग कर रहे थे, मुझे लगा यार ये कुछ बराबर नहीं कर रहे हैं। तो सचिन जी से मैंने कहा कि सर मैं भी थोड़ा सा, मैं अमित जी की एक्टिंग करता हूँ, तो हो सके तो आप देख लीजिए। तो सचिन जी जो थे उन्होंने कहा कि भाई आप अमिताभ की तरह लगते ही नहीं हो, दिखते ही नहीं, तुम कहाँ से करोगे। मैंने कहा सर मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं परफॉर्मेंस कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। तो उस वक्त जो है मैंने
देखो मियां गर्जू, तुम्हारी घड़िया हो गई है जवान। इससे पहले कि उसके पैर डगमगा जाए, पैर पीले कर दो, पर बाद में कंप्लेंट हमसे मत करना, लटके रह जाओगे। अरे बस यूं समझ लो कि हमारे घोड़े का आपकी घोड़ी के साथ में पेच लड़ गया है, दीवाना हो गया है। कहता है कि शादी करूंगा तो इसी के साथ करूंगा, वरना शादी नहीं करूंगा। भाई ऐसा कुछ सुनाया और सचिन जी जो है बहुत खुश हो गए, बोले मुझे यही चीज चाहिए और वहां से मेरा एक जो है तो यही एक्ट किया था तब आप। हाँ कमाल का है, तो मैं ही थोड़ी देर के लिए अचंभित हो गया। तो इस तरह से मैंने किया और सचिन जी जो बोले मुझे यही चीज चाहिए, वहां से मेरा जो सफर शुरू हो गया। लेकिन मुझे कैमरे की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। ओके, जब कैमरा सामने लगा हुआ है और बोले भाई सर देखिए ऐसा है, फिर यहाँ से आप आएंगे और यहाँ रुकेंगे और यहाँ देखेंगे और यहाँ देखने के बाद आप सांस लेंगे दो तीन बार, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने ये क्या कह रहे हैं भाई, जो कैमरा एक्टिंग के लिए जरूरी है, जो पता ही नहीं था मुझे, वो एक्शन बोले मैं कैमरे की तरफ चला जाऊँगा यूँ करके। बोले नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो बेटा, ऐसे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप ऐसे आएंगे, यहाँ रुकेंगे, दो चार सांस लेंगे, लड़की दिखी, आपने देखा, खुश हुए, यहाँ से फिर आगे बढ़े। वो इन सब चीज़ों में फंस गया मैं, सांसों में और उसमें उसमें कहाँ हंसूँगा क्या करूँगा। तो वो उन्होंने बेचारों ने काफ़ी मुझे, लेकिन फिर धीरे 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 एक एक चीज़ मुझे सिखाते गए। और मैं तो वो एक दो दिन में जो आपका करेक्टर था सबने बहुत पसंद किया, मेरे को याद है मैंने देखा बहुत, एकदम से इंतजार करते थे लोग, देखते थे, पसंद करते थे। तो जो एक पहचान मिली थी अपने छोटे से गांव में, अपने शहर में, और अब पहचान मिली थी एक टीवी के माध्यम से पूरे देश में, जी क्या फीलिंग थी? बहुत अच्छी फीलिंग थी। और जब मैं उस दौरान शो करने जाया करता था तो मेरे पीछे कम से कम 500-600 लोग, जब मैं शो से निकलता था पीछे भागते थे मेरी गाड़ी के और देखने के लिए। अमित जी का इतना क्रेज, तो उनकी शक्ल थोड़ी सी झलक मेरे अंदर थी, तो मुझे देखने के लिए वो इतने पागल हो रहे थे, तो अमित जी का क्या हाल होता होगा मैं तो ये सोचता हूँ। सही बात है, सही बात है। तो फिरोज भाई, जब आपने ये शोज करने शुरू किए एक के बाद एक, कितने शोज कर लिए होंगे? बहुत शो किए, पता नहीं अनगिनत। फिर भी नंबर अगर लगाए तो जब से लेकर अब तक, जैसे कि मुझे यहाँ 20-21 साल हो चुके हैं, तो 8-10 हज़ार तो किए होंगे। 8-10 हज़ार छोटे बड़े मिला के, सब तरह के करके। ओके, तो मतलब एक एक दिन में क्या 4-4, 5-5? हाँ, उस टाइम जब मैं चल रहा था तो वो जैसे कि वो छोटे छोटे शो होते ना, वो नवरात्रि के, हाँ। शादी के, इसके उसके, तो जितने ऑर्गेनाइजर थे सबने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया यार ये लड़का तो बहुत अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करता है, अच्छी करता है। हाँ। और उस वक्त लोग करते थे लेकिन इतने परफेक्ट तरीके से नहीं करते थे, और अमित जी के लेवल पर आना, लेके जाना तो बहुत बड़ी बात थी। तो वहाँ से मेरा शो शुरू होगा। तो मतलब लोग ना अलग अलग यूनिट में, अलग अलग शिफ्ट में शूटिंग करते थे, आप शो भी कर रहे थे? शो भी कर रहा था मैं। बहुत बढ़िया जी। उसके बाद आप लगातार टीवी पे भी बने रहे, और आज हम देख रहे हैं जीजा जी छत पे है के सेट पर, इसमें क्या करेक्टर है आपका? इसमें देखिए ऐसा है कि एक अलग तरह का करेक्टर है इसमें, अमित जी का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें जो है मेरा खुद का है, क्योंकि मेरा ये खुद की एक्टिंग में भी मेरा कम से कम 7वां सीरियल है। ओके, और इसी जो प्रोडक्शन है, इसी प्रोडक्शन का साहिब बीवी बॉस, मे आई कम इन मैडम, भाभी जी घर पर है, बहुत सारे सीरियल के, भाग बकुल भाग, और ये अब मेरा ये राइट। और अलग जगहों पर भी मैंने, लेकिन बच्चन जी जो है मेरे अंदर से, वो बचपन से मैं फैन हूँ, तो जब मैं उनकी 1-2-4 बार घर में भी एक्टिंग ना कर लूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो अब निकल ही जाती है, वो एक मेरा एक बचपन से ही मेरे खून के अंदर है। तो खुद की एक्टिंग मैं समझता हूँ कि इतनी मुश्किल नहीं है, किसी दूसरे की एक्टिंग को करना और उनको, उनकी चीज़ों को लाना, उनकी सांसों को, उनके एक्सप्रेशन को, उनकी हर एक चीज़ को, जैसे मैं जी रहा हूँ राइट, और वो भी उस लेवल पे, उस लेवल पे। वो वहाँ बड़ी बहुत मुश्किलें आई मुझे करने में, और जब मैं यहाँ आया था तो उस वक्त पता चला, उस वक्त तो मैं घर में कुछ उल्टा पुल्टा करता रहा हूँ या कुछ भी करता था ऐसे करके, लेकिन यहाँ पर आने की गहराई पता चली और ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन दिया मैंने, बिल्कुल एक एक चीज़ को पकड़ने की कोशिश की फिर कहीं जा करके। कभी अमित जी से मुलाकात हुई? जी हाँ। क्या था पहला? पहली बार तो मेरे मुंह में एकदम थूक खुश्क हो गया था और हाथ पर हिल रहे थे, घबरा गया था मैं। हाँ। क्योंकि जो उनकी जो चेहरे पर मैंने उनके वो जो तेज देखा था पर्दे पर, जब उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि सर ये लड़का आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। हाँ कौन? अरे उधर आइए। बस मैं ये सुन के ही घबरा गया। हाँ क्या करते हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाइए भाई जरा, हमें भी तो दिखाइए आप कैसे करते हैं हमारी एक्टिंग। तो मैंने कहा सर आपके सामने जो है मैं थोड़ा सा, हाँ अरे कोई बात नहीं आप दिखाइए दिखाइए। तो मैंने वहाँ थोड़ा सा उनको दिखाया था।
लेकिन अभी बताओ फिरोज भाई, आप उनकी नॉर्मल बातचीत के मैनरिज्म को जिस तरह से पकड़ के कर रहे हैं ना, कमाल है। मतलब एक तो उनके डायलॉग की करना अलग बात है, लेकिन जिस तरह से आपने एक नेचुरल सीन प्ले किया उनका, मैं हैरान हूँ देख के। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उनकी आंखें दिख रही हैं मुझे, वही नजर आ रहे हैं। कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैंने बहुत गहराई से ऑब्जर्वेशन किया। राइट राइट। और जब मैं अपनी एक्टिंग करता हूँ तो अमित जी मेरे चेहरे पर आपको बिल्कुल दिखाई नहीं, ये सीरियल में फील होता है। सीरियल में और जहाँ जहाँ मैंने काम किया, लोगों को यकीन दिलाना कि यार लोग दहन में बैठ गया यार, ये तो अमित जी करेंगे यार, ये तो अमिताभ बच्चन की करते हैं। नहीं नहीं यार फिरोज, मैं एक्चुअली इसमें कुछ अलग करवाना है और अलग करना है, तुम अमित जी की तरह देखते हो। मैंने कहा सर मौका दीजिए ना, अमित जी को मैं इतने अच्छे तरीके से प्ले कर रहा हूँ तो हो सकता है शायद मैं अपना जो और भी अच्छे तरीके से करूँ। तो उन्होंने मुझे मौका दिया। तो पहली बार जब इस प्रोडक्शन हाउस से आपको वो मौका मिला जी कि भाई ठीक है, अब आप एज ए फिरोज जी एक करेक्टर प्ले करोगे, तो लगा था कि चैलेंज है, रिस्क है? बहुत बड़ा रिस्क लग रहा था, क्योंकि नहीं मैं यहाँ, मुझे बुलाया था अमित जी के लिए ही। अच्छा, भाभी जी घर में, वहाँ मैं जा करके अमित जी को मैंने प्ले किया, और प्ले करने के बाद अचानक बोली आपको धोबी बनना है और यहाँ की जो भाभी उन पर लाइन मारनी है, लेकिन अमित जी के अंदाज में नहीं। अच्छा, ये लिबर्टी यहीं से मिली आपको? ये मुझे बड़ा ओके। उस वक्त अमित जी के गेटअप निकाल करके जब मैं अपने पीछे मैंने बाल किए और घबराया हुआ था कि मैं कैसे इस चीज़ को करूँगा, लेकिन मैंने उस चीज़ को प्ले किया तो उन्हें बहुत पसंद आया और बिल्कुल अमित जी की झलक नहीं थी उसमें। क्या बात है। फिर भाई आपने एक बहुत बड़ा एरा कंप्लीट किया है करियर में। नॉर्मली जितने भी लोग कॉपी करते हैं किसी को या मिमिक करते हैं, वो इतना लंबा करियर नहीं बना पाते। क्या मिमिक, मिमिक एक वो होती है कि आपने एक दो सेकंड किए और अपने उस पर आ गए। राइट। मैंने एक्टिंग की है, अमित जी की जो मैं डायलॉग बोलता हूँ तो उसमें मैं अपनी एक्टिंग डालता हूँ और उनको मिक्स करता हूँ, तब वो एक प्ले जैसा बनता है। ओके ओके। एक होता है साला हो खत्म, थोड़ी दिन बाद अच्छा नहीं, थोड़ी देर के बाद ही खत्म हो जाता है। राइट राइट। माइक पकड़ा, आपने बोला, खत्म, बाय बाय करा, निकल लिए। मैं उनको पूरी 10 दिन तक प्ले कर सकता हूँ एक एक एक्सप्रेशन के साथ। कभी आपको लगेगा नहीं कि ये छूटा, ये नहीं कर पाया, ऐसा नहीं लगेगा। अब फिरोज भाई जो ये करेक्टर आप कर रहे हो, एक डायलॉग उसका और बैक टू बैक एक अमित जी का, ताकि हम लोग फर्क देखें। आपको छटंकी हूँ मैं और छटंकी आप कुछ हैं, मुझसे पूछे मैं आपको छटंकी बन के बंदा जवाब दूंगा। ठीक है। छटंकी, आपको इस वाले परिवार में सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता है? देखिए ऐसा है, परेशान तो खैर हमें कोई कर ही नहीं सकता, एक बात समझ लीजिए, क्योंकि हमारा नाम है छटंकी। अब पूरे चांदनी चौक के अंदर किसी के अंदर इतनी हिम्मत ना है जो छटंकी से बोल जाए, तुम्हारी कसम सब डरते हैं हमसे। अरे है क्या यहाँ पे, हमारा एक जीजा है, तुम यकीन ना करो, घर में घुसे हुए हैं उसके, हम हिम्मत है बाहर निकाल दे, हम भी खा रहे हैं, हमारी बहन भी खा रही है, हम तो ऐसी फ्री का खाते हैं। हाँ सुनाओ क्या हाल है तुम्हारे और क्या चाह रहे हो तुम हमसे? ओके अमिताभ जी, आपको कैसा लगता है भाभी जी ये सीरियल जीजा जी छत पर है? बहुत अच्छा लगता है भाई, इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। हम तो बस देखते रहते हैं और लोग देख रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं भाई, मैं क्या, दुनिया से पूछिए कैसा सीरियल है, बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम मेवन जा रहा है। हाँ देख रहे आप, क्या बात है, हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। दोनों चीज़ों का, करेक्टर का जो आपने डिफरेंस देखा होगा, महसूस किया होगा कि इन अ मोमेंट स्विच ऑन स्विच ऑफ होके फिरोज अमिताभ, अमिताभ फिरोज हो गए। देखो साहब अभी देखो ये हम कर रहे हैं, हम कितने परेशान हैं, हम जान रहे हैं कैसे जिंदगी काट रहे हैं, यहाँ पे आए थे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, सब लोग कह रहे थे कैसे हीरो बनोगे, मन कहा हम कैसे ना बनेंगे हीरो, हीरो तो बन के दिखाएंगे, देखो आज बन गए। अच्छा, और वो लोग कह रहे थे कि आप नहीं बन पाएगा, हमने कहा बन जाएंगे, बोले कैसे बनोगे, बने ऐसा बनेंगे और कैसे बनेंगे, तो ऐसे बनते चलेगा, बन रहे हैं आज भी। तो सवाल ये है कि किस वक्त आपको कैसे चलना है, वो तो आपके अपने ऊपर है भाई, कैसे दिखाना है। रणवीर सिंह चौधरी नाम है मेरा, इस पूरे इलाके के अंदर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो रणवीर सिंह की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। ये अलग हो गया कुछ, कमाल है, जैसा बोले वैसे मैं करके बता दिया थी, मौके को देख के चौका मारती हूँ। और क्या क्या पूछना चाहेंगे बोलिए। आपने तो मेरी ही बोलती बंद कर दी फिरोज भाई। नहीं नहीं खैर, आप तो इतना अच्छा बोलते हैं मैं बता ही नहीं सकती, आपने जो पहली बार बोला था मैं बहुत चक्की होकर देख रही थी आपको, क्या बोलते हैं ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फिरोज भाई, थैंक यू टाइम देने के लिए शुक्रिया, और बहुत अच्छे से आपने सबको बताया। देखिए जो कलाकार इतने सालों तक काम करता है ना, उसके अंदर एक जज्बा जो होता है वो आपको देखना चाहिए और वो सीखना चाहिए कि तकलीफ आई, डर लगा, वो वापस गए, लेकिन फिर हिम्मत बना के वापस आए। और ये जो वापस आना है, जो बाउंस बैक है, जो वापस आके एक बार और कोशिश करना है, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द बेस्ट। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? अरे हाँ समझ गए भाई साहब, क्या बात है भैया। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।